नमस्कार साथियों, फार्मर बंदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सोनालिका का टाइगर सीरीज का 55 DI 55 जो कि 58 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, आज इसके बारे में जानकारी लेंगे। और मेरे साथ सर हैं जो आज आपको इस वीडियो में इस ट्रैक्टर की पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये वीडियो देखने वाले मेरे सारे बहन भाइयों, मेरी राम राम। आज मैं आपको सोनालिका का जो ये टाइगर मॉडल है, जो टाइगर 55 58 HP कैटेगरी है, इसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अगले टायरों से बात करता हूं। इसमें अगले टायरों का जो साइज है वो 7/50/16 का है, और पिछले जो टायर हैं इसके अंदर 16/28 के पिछले टायर हैं। और इसमें ट्रैक्टर में धड़कन पैदा ना हो, लोड की खिंचाई अच्छी रहे, सही रहे, उसके लिए कंपनी ने पीछे वेट लगा के भेजे हैं। हमारा ये प्लांट होशियारपुर में स्थित है। हमारे इस प्लांट की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग साल की 2 लाख ट्रैक्टर बनाने की क्षमता इस प्लांट की है। और मैं विश्वकर्मा ऑटोमोबाइल पीपली से बात कर रहा हूँ। और मैं 2005 से लेकर आज तक इस ट्रैक्टर का, सोनालिका के ट्रैक्टर जो मैं सेल कर रहा हूँ ज़िम्मेदारों को मैंने अपने पूरे ट्रैक्टर सेल किए हैं, और उनकी पूरी मैंने सेवा की है। और उनको जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम आई है, उनके खेत में जाके मैंने ट्रैक्टर को अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो ठीक किया है। तो मेरे पास अपनी पीछे वर्कशॉप है, न्यूमेटिक वर्कशॉप है, और मेरे पास सेल टीम है अपनी, यहाँ पर मेरा वेल सेटअप है। तो इस ट्रैक्टर के बारे में मैं जो बात कर रहा था अभी, 55 DI 55 के बारे में, चार सिलेंडर है ये। और इसकी जो क्यूबिक कैपेसिटी, CC जिसको हम बोलते हैं, वो इसकी इसका जो इंजन है 4 सिलेंडर में है। और ये पावर स्टेयरिंग में ड्यूल क्लच है। इसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी है 2000 kg की। और इसमें जो सबसे मैं मेन फीचर आपको बताता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पे ये जो एक दो पंप लगे हुए हैं, जो एक पावर स्टीयरिंग के लिए लगा हुआ है, एक इसका पंप हाइड्रोलिक के लिए लगा हुआ है। तो ये पावर स्टीयरिंग का अलग है और हाइड्रोलिक का अलग है। अगर इसमें एक पंप में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने एक ही पंप चेंज करना होता है, ना कि दो। कई ट्रैक्टरों में हमने देखा है यहाँ पे एक टेंडम पंप लगा होता है, अगर उसका एक पंप भी ख़राब हो गया तो उसको हमको दोनों चेंज करने पड़ेंगे। फिर पीछे हम अगर यहाँ पे बात करते हैं, ये डूल क्लच है, ये इसमें हीट वो लगाए हैं, प्रोटेक्टर लगाए हैं दोनों साइड में भी, ताकि ड्राइवर के पास किसी प्रकार की कोई सेक या गर्मी आँच ना आए, तो उसके लिए ये कंपनी ने लगा के दिए हैं। और इसका यहाँ पे ये जो एक हाइड्रोलिक का फिल्टर स्पेशल लगाया, माइक्रोन फिल्टर, जिससे जितना भी ब्रीक से ब्रीक कचरा इसके हाइड्रोलिक में ना आ जाए, और ये फिल्टर उसको रुक के मैग्नेटिक फिल्टर है। और ये 700 घंटे के बाद कंपनी कहती है कि 700 घंटे पर इसको चेंज करना होता है। उसके बाद हम इसके गियर की बात करें, ये 12+12 का गियर का ट्रैक्टर है। इसमें शटल गियर लगा हुआ है, 12 गियर इसमें आगे के हैं, 12 गियर इसमें पीछे के हैं, ये 24 गियर का ट्रैक्टर है। तो प्लेटफार्म इसमें हमने जो प्लेटफार्म कंपनी ने दिया, फ्लैट दिया है भी, ताकि सुविधाजनक तरीके से किसान इसके ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ सके और ट्रैक्टर सीट पे बैठ सके। सीट इसकी एडजस्टेबल है, सीट वो अपने अनुसार इसको एडजस्ट आगे और पीछे कर सकता है। ये इसका इंडिकेटर सिस्टम है, और वो शटल गियर लगा है इसका। ये इसका क्लस्टर है, बहुत शानदार क्लस्टर कंपनी ने लगा के दिया है, और LED लाइटें इसकी दी हैं। और इसका जो साथियों, इसका जो मेन इसकी है, इसके गेयर बॉक्स में 55 लीटर तेल की कैपेसिटी है। जो आज टिप्पर ट्रॉली जो लगती है पीछे से उठाने वाली, जो उसके अंदर अगर हम डबल जैक लगा देते हैं तो उसमें पूरा 100% सक्सेस ये ट्रैक्टर है, क्योंकि इसमें तेल की कैपेसिटी ज़्यादा है, 2 जैक भी बड़े आराम से उठा लेते हैं। जबकि दूसरे ट्रैक्टर जिनमें तेल की कैपेसिटी कम है, वो 2 जैक उठाने में भी असमर्थ है, वहाँ पर ट्रैक्टर फेल हो जाता है, उनका कामयाब नहीं होता। इसमें एक हमारा ये ट्रांसपोर्ट लॉक लगाया, यहाँ पे कंपनी ने इसमें हाइड्रोलिक में ट्रांसपोर्ट लॉक लगाया। हम जब हैवी लोड लेके पोटैटो मशीन या रोटावेटर लेके जाते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं, जिससे अगर लीवर नीचे भी गिर जाए तो पीछे का जो इसका मशीन जो लगी है पीछे ना गिरे, वो वहीं पे खड़ी रहेगी अगर लीवर नीचे भी आ जाए।
तो ये उसके लिए ये कंपनी ने लगा के दिया है। अब साथियों, पीछे का जो इसका हिस्सा है, ये तो आपको सबको इसका पता ही है, कंपनी ने यहाँ पे ये सपोर्ट दी है ताकि इसके अंदर थोड़ी कंपन ना हो, बैठने के लिए ड्राइवर के जो सीटें जो हैं, ये कोई सवारी उसकी बैठनी है तो ये बड़ी कंफर्टेबल लगाई हैं, LED लाइटें लगाई हैं, और ये इसमें एक DC भी लगाया है जो हमारे लेवलर करे के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमने इसमें एक सिस्टम बाहर जाता है लेवलर करे में, और दूसरे का तेल इनपुट का जो है वो इसमें एक आउटपुट एक इनपुट है। तो ये लीवर से भी इसको, मतलब हम टिप्पर ट्राली के लिए हमारा ये लीवर है, और इसकी हाइड्रोलिक जो है बहुत ही कमाल की हाइड्रोलिक है इसकी। आम किसी भी ट्रैक्टर के अंदर अगर हम बात करें, हाइड्रोलिक के जो इसके स्टेप होते हैं वो 40 से 45 के बीच में होते हैं, लेकिन इसके स्टेप जो नीचे से ऊपर तक के हैं 147 स्टेप हैं, जो कल्टीवेटर को खेत में चलाने के लिए, रोटावेटर को चलाने के लिए बहुत ही बढ़िया चलती है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आती है। पोटाटो मशीन के लिए ये हाइड्रोलिक सबसे बढ़िया हाइड्रोलिक कंपनी ने दी है बना। तो बाकी ट्रैक्टर बहुत किफ़ायती है, डीजल का खर्चा बहुत कम है, 55 लीटर का इसका टैंक है डीजल का, जो लगभग 10-12 घंटे आराम से कंटिन्यू ट्रैक्टर चल सकता है। ट्रैक्टर की हर प्रकार से ट्रैक्टर फिट है। तो आज मैं यही कहूँगा अपने किसान भाइयों को कि अगर आपने ट्रैक्टर लेना है तो सोनालिका का ट्रैक्टर लें और चलाएं, आपको बिल्कुल आपके पैसे की पूरी वैल्यू आपको मिलेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। धन्यवाद। तो किसान साथियों, सर ने जो इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी है बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब, मेरे हिसाब से आपके सारे जितने डाउट होंगे वो क्लियर कर दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं एजेंसी का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप नंबर पिक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।